भीम आर्मी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर किया प्रदर्शन, जिलाधिकारी के माध्यम से 5 सूत्री मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी ने ज्ञापन लेकर उनकी मांगों को सुन राज्यपाल तक ज्ञापन पहुंचने की बात कही। किस पद पे? मैं मंडल संयोजक अरुण कुमार शास्त्री, मंडल अध्यक्ष। किन मांगों को लेकर अभी प्रदर्शन किया है? ज्ञापन 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है राज्यपाल महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से। क्या मांगे? जिसमें से सबसे पहली प्राथमिकता है कि ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। नंबर 2 पर है कि 21% जो आरक्षण का इशू है उसे बढ़ोतरी किया जाए। और तृतीय मांग यह है कि एससीओं के आरक्षण में 5% का इजाफा किया जाए। और चौथी है कि जो जल जमीन जंगल है उसमें हमारा प्रतिनिधित्व कितना है। और पांचवी मांग है कि वर्तमान में हमें शासन सत्ता या सरकारी स्थानों पर हमारा प्रतिनिधित्व क्या है। इन्हीं बातों को लेकर राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें से हम लोग चाहते हैं कि जो भी जातिगत जनगणना के आधार पर हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि वर्तमान में 95% भूमि जंगलों पर हमारे अधिकार नहीं है। केवल इन्हीं सामंतवादियों के जो 5% ही हैं उनके 95% अधिकार उनका है। मांगे नहीं पूरी हुई तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए उच्च शेष नेतृत्व का जो भी नोटिफिकेशन होगा उस पर हम वचनबद्ध होंगे और एक बड़े आंदोलन के लिए आह्वान किया जाएगा। क्या मांगे हैं आप लोगों? सर मेरी 5 सूत्र मांगे हैं। पहली मांग है मेरी जातीय जनगणना, दूसरी मांग है मेरी ओबीसी आरक्षण को लेकर जो 27% है उसमें 15% का इजाफा किया जाए, तीसरी है एससी ओबीसी में ठेकेदारी में भी आरक्षण दिया जाए, चौथी मांग है मेरी जो पट्टे की ज़मीन दी गई है, पूर्व में पट्टे दिए गए हैं सरकारों के द्वारा, उस पर अभी तक अवैध कब्जा है, भूमिहीनों को तुरंत तत्काल प्रभाव से कब्जा दिलाया जाए। Thank you.